इंदौर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में हुई लाखों की नकबजनी का खुलासा करते हुए अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विगत माह क्षेत्र के मंगलमूर्ति अपार्टमेंट से आरोपियों ने वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हुए थे। दरअसल मंगलमूर्ति नगर में रहने वाले फरियादी ने अन्नपूर्णा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर पर चोरी हुई है, वह लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हुए हैं। पुलिस ने प्राथमिकता से जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 3 आरोपी कार से जाते हुए दिखाई दिए। कार नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर आज आरोपियों को मानपुर से गिरफ्तार किया गया। इनकी तलाशी लेने पर इन आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के गहने पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं जब पुलिस इन्हें पकड़ने गई थी तो आरोपियों द्वारा भागने का भी प्रयास किया गया, जिसमें आरोपियों व पुलिस में मुठभेड़ भी हुई, जिसमें एक आरोपी पूरी तरह घायल हो गया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपियों से और भी मामले के खुलासे होने की संभावना है। दो स्थानों पर बड़ी चोरी हुई थी, 201 और 202 नंबर मंगलपूर्ति अपार्टमेंट सरस्वती नगर इंदौर में। इसमें काफ़ी सोने का सामान और नकदी वगैरह गया था, और उसमें ये बात इसमें घटनाक्रम में आई थी कि एक जगह जो फरियादियाँ थी वो कहीं बाहर से वापस जब घर लौट रही थी तो उसको अज्ञात संदिग्ध लोग उसको अपने घर की तरफ से सीढ़ियों से उतरते हुए रास्ते में मिले थे। उस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करने पर इसमें एक संदिग्ध कार भी सामने आई थी, जिसको टोल पर चेक करने पर इसमें एक नंबर सस्पेक्ट नंबर आइडेंटिफाई हुआ था। और ये जो चोरी हुई थी उसमें 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, 493 और 495/19 धारा 454 और 380 IPC का। ये दोनों जगह जो चोरियाँ हुई थी उसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। जिस कार के को जब ट्रेस किया गया था तो उसमें उसका महाराष्ट्र में चलना पाया गया था, और उसमें 2 आरोपी उसमें गिरफ्तार हुए थे जो मानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस पार्टी के साथ में मुठभेड़ में ये पकड़े गए थे, और एक आरोपी इसमें घायल हुआ था। उसी घटनाक्रम में चूँकि चोरी का माल थोड़ा ही उस समय बरामद हुआ था, और उसमें ये बात सामने आई कि जो 2 पकड़े गए आरोपी हैं जिनके नाम कैलाश मोरे सोनगीर धुलिया का रहने वाला था, और अजय कटवाल ये भी धुलिया महाराष्ट्र का रहने वाला था, उनसे पूछताछ में ये बात सामने आई कि इसमें एक डोंडाइचा जिला धुले महाराष्ट्र का एक अंकलेश सोनार है जो ज्वेलर है, और वो ही चोरी करने के लिए एडवांस खर्चा देता है, और ये जो चोरों का गिरोह है ये उसके साथ में इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है। उसके द्वारा ये बताया गया था कि चोरी कहाँ करनी है, और ये इंदौर एरिया में जाकर के चोरी करनी है, और माल लेकर के आने पर ये हिस्सा बांट करने की इनकी आपस में बात हुई। इस बात पर से ये जो कैलाश मोरे और अजय कटवाल हैं ये इधर आए थे, इनके साथ संभावित है कि एक साथी और था। उसके पश्चात यहाँ पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये 2 आरोपी पकड़े गए थे, और इनसे जो मारुति स्विफ्ट कार जो चोरी के समय प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद हो गई थी। इस घटना के बाद में इस पर पुलिस पार्टी महाराष्ट्र भेजी गई थी, और डोंडाइचा जिला धुले महाराष्ट्र से अंकलेश सोनार को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके कब्जे से चोरी गया मशरूका करीबन 450 ग्राम कीमती सोने के जेवर लगभग जो 15 लाख रुपए कीमती मूल्य के हैं उनको बरामद किया गया है। इसमें संभावना है कि इसमें सूचना देने में या इनके साथ इस गिरोह के साथ में कुछ अन्य आरोपी भी हो सकते हैं जिनकी तलाश जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में थाना अन्नपूर्णा के निरीक्षक सतीश द्विवेदी और उनकी टीम, उप निरीक्षक तौसीफ अली, उप निरीक्षक अंकित शर्मा और उनके साथ जो टीम अभी महाराष्ट्र 2 बार जाकर के इस पूरे प्रकरण को बरामद करके लेकर के आई है और सराहना के पात्र हैं, उनको अलग से नगद पुरस्कार दिया जा रहा है।